वाले हैं वाटरफॉल, जो कि यहाँ का बहुत ही बड़ा और शानदार वाटरफॉल है। आप लोग इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, सभी लोग जाने वाले हैं वहाँ पे, बहुत इंजॉय करेंगे। और यहाँ पे श्रद्धा है, वो भी मतलब वाटरफॉल में नहाएगी, है ना श्रद्धा? हाँ, तो सभी लोग वहीं पे चल रहे हैं, वहाँ पे हम लोग पहुँच के फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। मंत्री है, शिकायत बातें करी है, पप्पू के प्यारी बरेली है, अब बड़े चुपचाप बैठ गए। मैंने गलत बोला ना डायलॉग? देखो श्रद्धा, देखो वो इधर नीचे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली गाड़ी से उतर चुके हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि हम लोग वाटरफॉल पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम उतर गए हैं। अभी हमको काफ़ी पैदल भी चलना पड़ेगा, तब जाके कहीं हम उस वाटरफॉल तक पहुँच पाएंगे। और आप यहाँ पे इसका एरिया इधर देख सकते हैं, बहुत ही गहरा है यहाँ पे नीचे। और यहाँ पर मतलब आप लोग बिल्कुल सावधानी से आएँ तभी सही है, क्योंकि यहाँ पर जो गाड़ी भी आई है ना, तो वो भी ऐसे रास्ते से आई है, हर कोई वहाँ पर गाड़ी चला भी नहीं सकता है। तो आप लोगों को हम अब लेके चलेंगे वाटरफॉल पे, वहाँ पे काफ़ी मज़ा आने वाला है। सबसे अच्छा ब्लॉग यहीं का होने वाला है या फिर नैनीताल का होने वाला है, तो आप लोग ब्लॉगिंग के लास्ट तक बने रहे हमारे ब्लॉग में। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं तो रास्ते की वजह से लौट जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं हम, अब ऊपर की साइड चलेंगे और काफ़ी हमें पैदल चलना पड़ेगा, तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए। और यहाँ पर देखिए, ये है मेरी सिस्टर, और ये भी अभी जाएगी, और बहुत तेज यहाँ पर धूप पड़ रही है, तो सही है, थोड़ा नहाते हुए भी बढ़िया लगेगा। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ, और मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, ऊपर से ही दिखा दे रही हूँ थोड़ा सा नज़ारा। और यहाँ से इतना लोग चीख रहे हैं, कुछ कहो मत, पता नहीं कितना मजा आ रहा है उन लोगों के लिए। तो आप लोगों को मैं यहाँ से दिखा दे रही हूँ थोड़ा, तो आप देख सकते हैं नीचे की साइड वो झरना जो बह रहा है ना, वहाँ पर मतलब लोग बहुत सारे भैया हैं, यहाँ पर दिख नहीं रहा ज्यादा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जाते टाइम आपको ये मिलेगा मैगी पॉइंट, यहाँ पे आप मैगी खा सकते हैं। और यहाँ पर मतलब आप फिर नीचे की साइड जाएंगे, तो यहाँ पे आपको काफ़ी चलना पड़ेगा, तब आप वाटरफॉल तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ का रास्ता बहुत ही ख़राब है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके का रास्ता है यहाँ पर, इसी को पार करके हमें नीचे जाना होगा। तो चलिए पहले नीचे चलते हैं और फिर आपको वहीं पर जाके हम लोग मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे रास्ते तक ब्लॉगिंग कर नहीं सकते हैं, तो पूरा रास्ता भी नहीं दिखा सकते हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं, वहाँ का सीन है वो बहुत ज़्यादा शानदार है, तो चलिए वहीं पे चलते हैं। वाटरफॉल के बहुत ही नज़दीक, और यहाँ से आप लोगों को शायद पानी की आवाज़ भी आती होगी। तो चलिए वहीं पे बस पहुँचने ही वाले हैं, तब तक आप लोग बने रहिए, स्किप मत कर देना बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं आपको यहाँ का पूरा सीन दिखाने वाली हूँ, रास्ता यहाँ का बहुत ही कठिन है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस वाटरफॉल में आते हैं तो इसका नाम है ढोकानी वाटरफॉल, और यहाँ का टिकट है 100 रुपये का, फ्री नहीं है। यहाँ पर आपको चेंजिंग रूम वगैरह सबकी सुविधा मिलती है, और आपको 100 रुपये का टिकट लेना होता है यहाँ से, तो मतलब कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, इतनी दूर आ सकते हैं तो 100 रुपये भी खर्च कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए चलते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं, हम सबको दिखाएंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए एंट्री लेते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको यहाँ से 100 रुपये का टिकट कटवाना होगा, आप यहाँ पर लिखा हुआ भी देख सकते हैं कि टिकट काउंटर 100 रुपीज़, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ देखिए सामने की तरफ झरना बह रहा है, यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, टिकट वगैरह कट चुके हैं, अब हम यहाँ पे एंट्री ले चुके हैं, और मतलब सामने का झरना देख के तो ये मन कर रहा है अभी कूद पड़ो यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए चेयर वगैरह भी पड़ी है, यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि किस तरीके का यहाँ पे माहौल है अभी। और यहाँ पे चेंजिंग रूम वगैरह आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का कुछ नज़ारा है। तो चलिए वाटरफॉल का कुछ नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों के लिए।